गाइस एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज है संडे, प्रीटी मच हम काफ़ी लेट उठे हैं आज। मैं यूजुअल से मतलब मैं 7:30 बजे संडे को उठ जाता हूँ। आज मैं उठने में आती रही है तो दिन भी काफ़ी सो गया। उसके बाद उठने के बाद मैंने आधा एक पौना घंटा पहले मोबाइल देखा, क्योंकि उठने के बाद सबसे पहले मैं मोबाइल ही चेक करता हूँ। और संडे को ही टाइम मिलता है हमें ये सब चीज़ें करने के लिए, प्लस हमने बाकी संडे की जो भी ज़रूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली है। अभी सिर्फ खाना बनाना बाकी है एंड थोड़ा खाना बाकी है, पहले ब्रेकफास्ट करना बाकी है। ब्रेकफास्ट के लिए हम ब्राउन ब्रेड बुला रहे हैं, अभी जयपुर से ख़त्म हो गया मेरे, तो मैं जयपुर से ब्राउन ब्रेड बुला रहा हूँ। प्लस हम सबको खा रहे हैं आज से नहीं, मैं कल से खाऊँगा, क्योंकि एक पनीर का पैकेट ये है हमारे पास स्पेयर है, तो पहले मैं खाऊँगा एंड उसके बाद हम कल से सबको खा लेंगे। तो इसी के लिए प्री प्रिपेयर्ड हम सबको बुला लेंगे। रीज़न मैंने अभी कपड़े नहीं पहने क्योंकि मैंने सारे कपड़े धोने के लिए डाले, बस ये एक ट्राउजर है जो सही था, मतलब ठीक ठाक था, एक ही बार पहना था तो अभी ऐसे पहन और उसे खाना मंगाऊंगा एंड उसके बाद फटाफट से काम करना चालू करूँगा। संडे के अपने मुझे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो अपना जो बना के रेडी है, बस उसे एडिट करना बाकी है, तो कम से कम उसमें 3-4 घंटे तो लगेंगे। ये बहुत लेंदी वीडियो है और छोटे छोटे क्लिप्स काट करने पड़ते हैं। पहले वो वीडियो पूरा सुनूँगा एंड उसके बाद उसे कट करूँगा एंड मुझे चैक करूँ टेक्स एंड ऑल सब करने में मुझे कम से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे। प्लस जो आज का ब्लॉग होगा वो भी हमें एडिट करना, मतलब हमारा संडे भी ऐसा जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ एंड उसी के साथ हम थोड़ा स्पेयर टाइम शाम को निकाल लेंगे। स्पेयर टाइम में हम कुछ नहीं करेंगे, बस मैं थोड़ा घूमता रहूँगा, हम घूमने मतलब कहीं घूमता रहूँगा, मुझे बाहर जाना पसंद नहीं, बस गर्मी इतनी है कि बाहर जाने का मन भी नहीं होता मेरा, और मुझे मेरी हेल्थ खराब नहीं करनी है। कल से हम प्रोबेबली कार्डियो भी शुरू करेंगे। मैं आज अगर स्पेयर टाइम होगा ना तो मैं पार्क देखने जाऊँगा यहाँ पर पहले तो, और वो अपने को एक मिल गया तो मेरी भी खुश होगा। उसके बाद हम गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज हमने खाना नहीं बनाया है, प्लस हम सुबह से सिर्फ ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस पे है। मैं अभी और खा लूँगा क्योंकि जो मैंने पैकेट बुलाया है आज ब्राउन ब्रेड का वो मतलब आज ही एक्सपायर हो रहा है, तो मैं खा लूँगा वो अभी थोड़ी देर में खा लूँगा। और मैं कुछ बाकी खाने वाला नहीं हूँ, मैं किचन में भी नहीं गया था क्योंकि संडे है, बहुत गर्दी थी। और प्लस हम 1:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक कंटिन्यूसली एडिटिंग करते रहे, मतलब मैं बीच में मैंने 30 मिनट्स का लैप लिया था एक, बट कंटिन्यू एडिट करता रहा मैं, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और मुझे भूख भी नहीं लगी। प्लस जब हमने सुबह ब्रेड मंगाए थे जेप्टो से तब उसी के साथ मैंने सत्तू भी बुला लिया था, अभी हम सत्तू खाने वाले हैं। सत्तू भी थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था उस टाइम और तो उसी की वजह से मेरा पेट पूरी तरह से भरा हुआ था, तो मुझे भूख ही नहीं लगी। आज मैं बनाऊंगा नहीं खाना क्योंकि मैं वो ब्रेड अभी खा लूँगा तो मुझे भूख नहीं लगने वाली। एंड हमने आज प्रोडक्टिव काम किए हैं, मैं सच्चे में बता रहा हूँ, हमने आज प्रोडक्टिव काम किया है। हमने वीडियो एडिट करा, बस उसका थंबनेल एडिट करना बाकी है। वो थंबनेल मतलब अभी उसमें आधा पौना घंटा और लग जाएगा परफेक्ट फोटो जाने वाले वीडियो में, बट या वो वीडियो अच्छा होगा शायद। मैंने इस पर 5 से 6 घंटे लगाए हैं आज, और परसों मैंने जब रिकॉर्डिंग करी थी तब 3-4 घंटे और लगाए थे, मतलब 8-9 घंटे एक वीडियो पर लगते हैं पूरे टोटल। आप तो भाई आप तो वीडियो भी नहीं देखते होंगे पूरा, तो डू चेक इट आउट गाइस, पूरा वीडियो देखा होगा यार। 8-9 घंटे की मेहनत रहती है बंदे की, पूरे दिन की मेहनत रहती है, ऐसा नहीं कि भाई बस वीडियो एडिट करके डाल दिया ना, पूरे दिन की मेहनत रहती है इसके आगे। अभी मैंने आइसिंग की है तो मेरा फेस ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत, और उसके बाद अभी मैं शावर लूँगा, शावर लेके मैं ब्रेड बटर खाऊँगा एंड देन मैं आज का दिन ख़त्म करूँगा। रीडिंग करनी बाकी है वो मैं कर लूँगा एंड उसके बाद हम आज का वीडियो ख़त्म कर देंगे। इसके साथ आज का ब्लॉग ख़त्म होता है, मैं मिलूँगा आपको कल सुबह 6 बजे। टिल देन, पीस आउट।